नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लकी फार्मिंग लीडर में। आज हम बात करेंगे कि हमारे किसान भाई अपने गाय भैंस का दूध जब डेयरी में ले जाते हैं तब बीच बीच में उनके गाय भैंस के दूध का फैट स्निप कम और ज़्यादा क्यों हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम डेयरी में दूध ले जाते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम अपने गाय भैंस का दूध निकालते हैं, निकालने के बाद तुरंत डिब्बे में डालकर उसके ऊपर से ढक्कन लगा देते हैं। जैसे आप डिब्बे में डालते हैं, डालने के बाद आपका दूध गर्म होता है, आप ऊपर से ढक्कन को लगा देते हैं। ढक्कन लगाने के बाद फिर दूध के अंदर ही भाप बनती है। भाप बनने के बाद वो ढक्कन में जो है पानी पसीजा होता है, वो पानी का थोड़ा सा मिश्रण जो है दूध में मिल जाता है। इससे भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है आपके दूध में, आपके गाय भैंस के दूध में। जब आप ले जाते हैं डेयरी पर, फिर आपको ये देखने को मिलता है कि आपके गाय भैंस के दूध का जो फैट स्निप है वो कम हो रहा है। इसके बाद फिर मेन कारण यह है कि आप जब जाते हैं डेयरी पर, तो डेयरी पर यह सावधानियां रखनी चाहिए कि आपके दूध का जो सैंपल, आपके गाय भैंस के दूध का जो सैंपल डेयरी वाला निकाल रहा है, उस सैंपल को सही से लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, या फिर दूसरे का सैंपल आपकी जगह पे तो नहीं लगा दे रहा है। इससे भी बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी डेयरी में ऐसा होता है कि दूसरे का सैंपल निकाल के आपका सैंपल आपके उसमें लगा देते हैं और जो है आपके दूध का रेट बहुत कम गिरता है। इसके बाद तीसरा कारण यह है कि डेयरी वाले जो दूध हमारा लेते हैं वो जो है अपने मशीन में सेटिंग किए होते हैं। ऐसी सेटिंग होती है, की जाती है, सॉफ्टवेयर आता है चिप जैसा, कि वो उसमें लगा देते हैं और ऑटोमेटिक कभी हमारे गाय भैंस के दूध का फैट स्निप ज़्यादा हो जाता है या फिर कभी कम हो जाता है। अधिकतर देखने को ये मिलता है, ज़्यादा नहीं होता, कम ही होता है, ज़्यादा नहीं होता। लग बाई चांस कभी ऐसा हो गया कि ज़्यादा हो गया, लेकिन नहीं तो हम पे बहुत लगातार देखने को यही मिलता है कि हमारे गाय भैंस के दूध का फैट स्निप कम ही होता है। इसके बाद जब हम अपने गाय भैंस के दूध को निकालते हैं, निकालते समय ध्यान में रखना चाहिए कि हमें अपने गाय भैंस को निकालने के एक दो घंटे पहले पानी नहीं पिलाना चाहिए। यदि हम अपने गाय भैंस के दूध को निकालने के जस्ट एक घंटे पहले पानी पिलाए हैं, तब फिर जब हम अपने गाय भैंस के दूध का पानी दूध निकालेंगे, फिर पानी की मात्रा दूध में आ जाती है और जो है फैट स्निप कम हो जाता है। बहुत देखने को मिला है, इस रिसर्च में भी आया है कि जब हम अपने गाय भैंस के दूध निकालने वाले होते हैं, उसके पहले यदि आप अपने गाय भैंस को दूध का पानी पिलाते हैं, फिर दिक्कत हो जाती है और फैट स्निप कम आता है। इसीलिए जब आप अपने गाय भैंस के दूध निकालने वाले हों, उसके एक घंटे दो घंटे पहले अपने गाय भैंस को पानी ना पिलाएं। दूध निकालने के बाद अपने गाय भैंस को ताज़ा पानी पिला सकते हैं। उसके बाद यदि आप अपने गाय भैंस के दूध निकाल रहे हैं, तो दूध निकालते समय पहला जो दूध होता है आप उसे अपने बछड़े को पिला दें। जितना आप पिलाते हैं उतना पिला दें। पिलाने के बाद आप जो है पहले वाला जो पहली धार होती है, पहले धार में भी पानी की मात्रा पाई जाती है और दूध हल्का होता है, जिसके कारण फैट और स्निप नहीं आता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है अपने गाय बछड़े या जो ककड़ी पड़िया होती हैं उनको जो है पिला दें पहला दूध। पहला दूध पिलाने के बाद जितना आप रोज़ पिलाते हैं, जितना उनके लिए अवेलेबल रखते हैं, उसे पिलाने के बाद आप उन्हें साइड कर दें। साइड करने के बाद फिर जब आप दोबारा दूध निकालेंगे, तब जो है उसका आप देखेंगे ऑटोमेटिक ले जाकर आप देखिएगा VLC पर जो है डेयरी पर लेकर जाइए, देखिए उस दिन का दूध का फैट स्निप बहुत ज़्यादा आता है और आपके गाय भैंस के दूध का रेट भी नंबर एक सबसे ज़्यादा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद, नमस्कार। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।